के अरविंद बाइक चला रहा है, वो हम दोनों को उसके घर ले जा रहा है। तो बेसिकली जहाँ पे हम आज स्टे करने वाले हैं वहीं पे जा रहे हैं। सो अभी हमने यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया था वो हमने एक्सप्लोर कर दिया। वहीं पे बस 2-3 किलोमीटर ही दूर है उसका घर, और वहीं पे हम जा रहे हैं। तो थोड़ा रेस्ट करेंगे वहाँ पे, थोड़ा खाना खाएंगे, फिर उसके आजू बाजू जो भी जगह है उसको भी एक्सप्लोर करेंगे और वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बजे है 1:30 और बहुत भूख लगी थी, तो लंच के लिए हम कुछ जगह ढूंढ रहे थे। तो हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह मिली है, अरविंद ही एक्चुअली हमें यहाँ पे लेके आया है। डांग का ही जो खुद की जो यहाँ पे जो खाने की आइटम्स होती है वो यहाँ पे मिलती है, तो हम ऑथेंटिक जो डांग का जो खाना है वही खाने वाले हैं आज लंच में, और इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। ये आपको नाम यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वाला नारी परंपरागत वानगी केंद्र, नारी। सो डांग का जो ऑथेंटिक जो खाना होता है वो यहाँ पे मिलता है, सो आज हम वही खाने वाले हैं यहाँ पे। यही जगह है, ये किचन है जहाँ पे सारी लेडीज़ जो होती है वही खाना बनाती है और वही इस सेंटर को चलाती है। इस जगह का भी एड्रेस लिंक जो है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि यहाँ ये जो पूरा सेंटर है वो लोकल लेडीज़ जो है वही चलाती है, और खाना भी जो होता है वो काफ़ी ऑथेंटिक होता है, काफ़ी अच्छा होता है, एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस लोगों को मिलता है। क्योंकि शहर के लोग जो सूरत से या फिर कोई नवसारी या अहमदाबाद बड़ौदा जहाँ से भी लोग आते हैं सापुतारा विजिट करने के लिए, उनको अगर कुछ यहाँ का लोकल ऑथेंटिक अगर खाना टेस्ट करना हो तो वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। सो ये जो हमारा खाना है वो आता है डांग का ऑथेंटिक खाना है ये। सो अभी हम खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, बाद में बात करता हूँ मैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अभी खाना खा लिया है पेट भर के, अभी आराम करेंगे। और उससे भी पहले एक चीज़ और है, ये दिख रही है आपको। सो खाने के बाद शायद इसकी मज़ा और अलग आती है, बड़ा हरामी हो बेटा। सो अभी वापस अरविंद के घर के लिए निकल गए हम, और हमने जो रास्ता चुना है अरविंद ने वो रास्ता चुना है कि मैं आपको जंगल से ले जाता हूँ। सो वो हमें कोई अंदर का जो रास्ता जो होता है उनके गांव तक पहुंचने का, वो वहां से हमें ले जा रहा है। मैं आपको वो भी रास्ता दिखाता हूँ। जो भी मैं सारी प्लेसेस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सारी सापुतारा के रोड पे ही आती है। जब भी आप कोई भी अगर सूरत साइड से, नवसारी या बारडोली साइड से जो भी सापुतारा जाता है उसका ये रूट है। सो इसी रूट पे सापुतारा के नज़दीक ही ये सारे लोकेशन है, मैंने आपको अभी जितने भी लोकेशन बताए हुए। सो ज़्यादातर लोगों को यही होता है कि सापुतारा मतलब सापुतारा ऊपर हिल स्टेशन पे चले जाएंगे और वहीं पे खाया पिया, वहीं पे थोड़ा घूमे और फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन सापुतारा के नीचे के जो जितने भी प्लेसेस होते हैं ना, वो बहुत सारे प्लेसेस हैं। मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो सारे यहाँ के लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो लोग रोज़ की ज़िंदगी में क्या अक्सर काम करते हैं, कैसे उनकी लाइफ होती है, वो दिखाने की मेरी कोशिश है इन सारे वीडियोज़ में। गाँव के अंदर हम एंटर हो रहे हैं और एंटर होते ही आप व्यू देखो, ये होती है गाँव की मजा। और ये हम पहुंच गए अरविंद के घर पे। वाह, और यहाँ पे उसके पापा खड़े हैं मैं रिसीव करने के। Two hours later. So
अभी हम यहाँ पे थे, यहाँ पे हमने थोड़ा रेस्ट किया और अभी फ्रेश हो गए। सो यहाँ से अभी हम जाएंगे, नजदीक में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, सो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम चले बाहर में गुनगुनाती राह में, धड़कने भी तेज है, अब क्या करें, ओ वक्त है तो जीन दे, दर्द है तो सीन दे, ख्वाहिशें अनजान है, अब क्या करें। अभी हम पहुंच गए हैं कुटविहीर, और मतलब यहीं पे हमें आना था, लेकिन यहीं पे एक स्पेशल स्पॉट है। सो यहाँ पे भी पूछ रहे हैं कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे, वहाँ पे जाके बैठेंगे और इवनिंग स्पेंड हम वहीं पे करने वाले हैं। सो अभी हम पहुंच गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुटविहीर। सो वहीं पे आए हैं और वहाँ पे ये सनसेट पॉइंट आप जो दिख रहे हैं ना, सो यहीं पे चिल करने वाले हैं थोड़ा टाइम के लिए। हम यहीं पे बैठेंगे और यहाँ पे सनसेट का व्यू देखेंगे, एंजॉय करेंगे। सो वहाँ पे हमने कार पार्क की है, यहाँ पे सनसेट हो गया है और ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ना बड़ा, वहाँ पे अभी हम बैठने वाले हैं, व्यू को एंजॉय करने वाले हैं। सो ये हमारा स्क्वाड है। और ये है बड़ा पेड़, इमली का पेड़ है, और आप देखिए यहाँ पे जगह, यहीं पे बैठ के यहाँ पे सनसेट हो गया है। A few moments later, अभी भी हम कुटविहार में ही है और अभी हम कर रहे हैं नाइट फोटोग्राफी, सो इसीलिए मुझे ये फ्लैश लाइट की यूज करने पड़ी है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो मेरा यहाँ पे जो कैमरा है वो भी स्टैंड पे लगा हुआ है, और स्टार की फोटोग्राफी करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी रात के बजे है 11:30, सो आई थिंक अभी हम 1-2 बजे तक शायद नाइट फोटोग्राफी करेंगे, अगर होगी तो हमसे। यहाँ पे कुछ भी हमें अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, बिकॉज जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं उन सब के साथ ही है हम। सो आई होप कि सब कुछ अच्छा ही होगा। अभी हमने जिस जगह पे इवनिंग स्पेंड की उसका एक्सपीरियंस मैं आपको वर्ड्स में नहीं बयां कर सकता, और मैं आपको वीडियो में भी नहीं दिखा सकता, बिकॉज वो इतना अमेजिंग था। वो आपको खुद यहाँ पे आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि वो एक्सपीरियंस क्या चीज़ होती है। सो हमने थोड़ी बहुत नाइट फोटोग्राफी भी की है। यहाँ पे जो पीछे अरविंद बैठा है उसके घर जाएंगे और वहाँ पे अभी हम डिनर करेंगे, बाद में पूरा नाइट स्टे करेंगे। सो अभी हम पहुँच चुके हैं घर पे, जो अत्यारे हमारी पास है डांगनू ऑथेंटिक ખાવાનું ભોજન આવી ગયું છે। નાગલીના રોટલા છે, નાગલીના રોટલા અને અગર રાગી તમે સમજતા હોય તો ગ્લાસ, આ ચોખાની રોટલી છે। સો અભી હમને ડિનર કર લિયા, સો અભી હમ સો જાયેંગે ઓર સુબહ હમને ટ્રેકિંગ કા પ્લાન કિયા હૈ સભી ફ્રેન્ડ્સ કે સાથ। સો દેખતે કે કહાં પે ટ્રેકિંગ કે લિયે જાતે, જહાં ભી જાયેંગે આપકો મેં અપડેટ દુંગા ઓર ઉસ જગહ કો ભી આપકો બતાઉંગા।